चल चल फिर तो ना। अबे नहीं मुमरा की जान बोले तो सबकी जान, सबकी जान माशाल्लाह, सबके मुमरा के दिल में बसते फखरुद्दीन शाह बाबा। सो गाइस आज का मौसम कुछ फॉगी टाइप का है, कल रात बहुत बारिश हुई। सो गाइस आज की शुरुआत हम सब फ्रेंड्स की लेट हुई क्योंकि कल रात बहुत बारिश हुई तो और ठंडी बढ़ गई थी तो हम सब सो रहे थे। तो अभी 9 बज रहे और अभी अहमद मुझे शिमला पार्क पर बुलाया तो मैं जा रहा हूँ शिमला पार्क और अहमद से मिलाता हूँ और आज का जो भी प्लान होगा डेली ब्लॉग के हिसाब से वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैं पेट्रोल पंप पे हूँ और शिमला पार्क बस पहुँच ही गया हूँ तो बने रहो देखते रहो। तो गाइस वो रहा है अहमद हमारा और अम्मो और बता भाई बहुत बारिश हो रही है नहीं हो रही है यार। अरे बहुत हो रही है कल रात से मैं बोलता है सब सोया हूं ना यार, सब सोए आज सब सोए। मैं ऐसा 10 बजे सोया और तू यकीन माने 8:30 बजे डायरेक्ट उठा हूं। 8:30 बजे उठा इतना लेट पर कोई नहीं आज ठंडी थी ना, जिम नहीं जाने का मन ही नहीं था तो मैं गया भी नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा बाकी जिम बैग से तैयारी करके आए हो? जिम अभी नहीं जाना है, इसके अंदर छतरी है और मेरे सारी चीजें हैं, पट्टा है कि कभी ठंडी लगी तो कान पे बांधने के लिए पूरा सेटिंग करके घूमता तुम्हारा मुंह। चलो शिमला चलते, हम गरीबों क्रिएटर लोग का वही जगह है। चलो सो गाइस साहिल ब्रूट को अभी देखते कैप्चर करते हैं रिएक्शन। साहिल व्हाट्स अप ब्रो, कैसा लग रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अबे चेहरा देख तेरा, रिएक्शन कैप्चर करने के लिए लाया हूँ। अरे चल चल फिर तो ना। अबे नहीं स्क्रिप्टेड नहीं करता मैं, मेरा रिएक्शन तो बता कैसा लग रहा हूँ। अरे भारी दिख रहा है भाई, मैं देखा तो क्लीन शेव पूरा, मतलब नया फापू इज यार, देखो नया फापू इज यार, ओहो मतलब क्लीन शेव कर दिए फुल चिकना। ए अहमद कैसा लग रहा हूँ? मैं तेरे को कल ही बता दिया था कि छिली मुर्गी, ये सही में छिली मुर्गी दिख रहा है लेकिन मुझे चिल्ला दिख रहा है, वो चिल्ला ही अच्छा लग रहा ना। गलत किया ये शेव करके, तू तो बोल रहा था कि शेव कर अच्छा लगेगा, तू शेव इधर शेव कर बोला था लेकिन 1.mm का तो रख सकता था ना तू भी। 1.mm का क्लीन शेव होते हैं फिर क्लीन शेव सही। आ जाएगी नया ब्लॉग तो अपना नया ब्लॉग आ रहा है, इसके पहले बता दूं डेली व्लॉग्स करता हूं, मैं भी डेली व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं अपना प्रमोशन पहले करता था। गाइस ये भी एक यूट्यूबर है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा जान लो। ब्रो ये गलत है, मैं ब्लॉग ही एडिट कर रहा था अपना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो मैं देख रहा था, ब्लॉग बहुत अच्छे से एडिट कर रहा था ना, फिर ब्लॉग तो सही बने रहिए देखते रहिए। तैयारी चालू है, अहमद तैयार हो गया, साहिल ब्रूड चालू रहता, पावर बैंक इसको लेना रहता हमेशा अपने दोस्त लोग से। कहाँ जा रहे हैं अपुन भाई? इधर हम लोग बैठ के क्या करते बोल रहे थे, फखरुद्दीन शाह बाबा जा रहे हैं जो उमरा में, तो हम लोग वहाँ पर। चलो आपको फुल एड्रेस भी बता दूंगा और दरगाह जा रहे हैं बाबा की जियारत करने और आपको पूरा बता दो सीन कैसा रहता है, तो बने रहिए देखते रहिए। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको एड्रेस बोला कि मैं बताऊंगा, तो फखरुद्दीन शाह बाबा उमरा के दिल में बसते हैं यानी कि दरगाह गली रोड, चाहे आप स्टेशन से आओ या आप फील फाटा से आओ आपको जाना। अरे बोलने दे मैं बोलूँ, अच्छा मैं अहमद के साथ करता हूँ एक बोलने। सो गाइस आपको बोलना है रिक्शे में, आपको बोलना है कि दरगाह गली रोड जाना है तो वहाँ से मैं आपको बताता हूँ, तो बने रहिए देखते रहिए। और इसको भी कुछ बोलना है बोलने। तो मैं बोल रहा था अगर आप लोग मतलब ये साइड से आ रहे हैं फाटा कल्याण फाटा तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट रिक्शा करके आ जाओ या तो थोड़ा शेयरिंग करके आओ तो थोड़ा ईजी पड़ेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्शा 50 से लेके 60 रुपीज लेते हैं यहाँ से सिलपाड़ा से, और अगर डायरेक्ट आओगे तो 60 रुपीज, तो शेयरिंग करके आओगे तो 20 रुपीज करिए तुम्हारा 20 रुपीज बच जाएगा, वो 20 रुपीज का आप जूस पी लेना या गरीब को पैसा दे देना और नेकी बढ़ जाएगी, और नेकी बढ़ जाएगी। अहमद बोलो बोलो भाई, अहमद कुछ बोलना चाहोगे? बहुत ठंडी लगी है भाई, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर तुम बोलोगे मैं बोलूं भाई के शॉर्ट में देखो शॉर्ट में भाई। गाइस वो जॉगिंग करने के हिसाब से आया था, हम लोग का अचानक प्लान बना तो आपके लिए डेली ब्लॉग कर रहे हैं। मैं भी शिमला मतलब गार्डन में जो बैठा था और इन लोगों ने मुझे फोन किया किधर है भाई, मुझे पता नहीं इन लोग ब्लॉग चालू करेंगे और मुझे डायरेक्ट बाबू का ना किसी का ब्लॉग स्टार्ट करे हैं मुझे नहीं, तो लोग देख रहे हो बाबू का अच्छा रियलिटी में रहते हैं तो जरा भी स्क्रिप्टेड नहीं है क्या भाई, मतलब बता रहा हूँ कि जरा भी स्क्रिप्टेड नहीं है बोलेंगे। चलो नहीं सो गाइस आपको ऐसा गेट दिखेगा हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह दीन शाह बाबा, ऐसा आपको दिखेगा रहमतुल्लाह। आपको यहाँ एंट्री मारना है, अगर आप स्टेशन से आओगे तो उस तरफ से आओगे और शील फाटा से आओगे तो उस तरफ से आओगे, तो ये ऐसा गेट रहेगा यहाँ अंदर जाना, तो चलो चलते हैं। सो गाइज आपको जैसे कि पता है आपको अंदर आना है वो गेट से जहाँ मैं बताया, और ये दरगाह गली ये रोड को बोलते हैं, सामने जाओगे तो आपको जनता बेकरी मिलेगी, तो आपको ये रास्ता नहीं जाना है, आपको सीधा जनता बेकरी से स्ट्रेट जाना है, तो बने रहिए देखते रहिए। और ये देखिए ये रास्ते जाना है स्ट्रेट भाई, जैसे कि आप गली में अंदर जाते रहोगे तो यहाँ पर आपको फूल वूल सब दिखने लग जाएंगे बाबा के, और वहाँ गेट दिख रहा है, रुको मैं और करीब जाके आपको गेट दिखाता हूँ। जैसे कि आप गली में अंदर आ रहे थे तो ये बाबा का गेट है मेन गेट, और अंदर बाबा फखरुद्दीन शाह बाबा का दरगाह है, तो चलो अंदर चलते और एक्सप्लोर करते और आपको सारी जगह बताता हूँ, और ये फूल वूल आपको बता चुका लाइन से लगे रहते, तो अंदर चलते और बताता हूँ आपको।
सो गाइस दरगाह वो है, अंदर का मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कैमरा है, तो यहाँ बैठने की जगह है, ये सब यहाँ सब बैठते आराम कर सकते हैं। अरे हटना, बाबा को दिखा दो। तो बने रहिए, ये दरगाह है मेन, मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता अंदर से क्योंकि कैमरा है, मैं नहीं चाहता कोई वायलेंस फैले। तो ये पूरा दरगाह का सीन है इस, माशाल्लाह देखिए धीरे धीरे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, मुमरा की जान है, मुमरा का दिल है। और हम लोग की कम्युनिटी में आप अंदर जाके नहीं दिखा सकते क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा दरगाह माशाल्लाह, आप आके विजिट कीजिए मुमरा के दिल में। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे आप जी? खैरियत अंकल, कुछ कहिए ना फकरुद्दीन शाह बाबा के बारे में। माशाल्लाह हम तो देखते हुए, बहुत ही अच्छा ना, एकदम मुमरा की जान है, मुमरा की जान, सबकी जान, सबकी जान माशाल्लाह, सबके मुमरा के दिल में बसते फकरुद्दीन शाह बाबा। और क्या चीज, और किधर बसे? मुमरा के अंदर, मुमरा के अंदर जी, हमारी किस्मत। मुमरा का नाम खराब है लेकिन रोशन यही करेंगे जी जी जी, इंशाल्लाह। और हम भी थोड़ा कर लेंगे थोड़ा बहुत अपने वीडियो के जरिए, और क्या, और करते रहो, बढ़ाते रहो जी जी अंकल, शुक्रिया अंकल, इतना बड़ा कि आप फेमस हो जाओ जी अंकल, माशाल्लाह जी अंकल, ऐसा करो ये तो देखते। गाइस माशाल्लाह ये सब डेवलप हो रहा है, और ये हमारी खूबसूरत सी मस्जिद है माशाल्लाह फखरुद्दीन शाह बाबा के यहाँ। और यहाँ बहुत सारी मदारे है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता सिनेमैटिक क्योंकि कुछ ना कुछ कैप्चर हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कैप्चर हो, कैमरे में ये सब शो हो। तो बने रहिए, देखते रहिए डेली व्लॉग्स में, आपका स्वागत है। क्या बोलते साहिब? फाफू स्पॉट, फाफू स्पॉट। चलिए अंकल, थैंक यू। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं व्लॉग को करने जा रहा हूँ एंड, लेकिन मैंने इंट्रो शूट नहीं किया तो मैं बोलता हूँ हे फाफू स्कॉट, कैसे फाफू स्कॉट। तो व्लॉग को एंड करते हैं और अल्लाह हाफिज बोलना जरूरी है। तो ये भाई अपना स्टाइल, आउट्रो पे इंट्रो, तो फाफू स्कॉट बाबा के पास तो अल्लाह हाफिज बनता है डूड, मतलब या, और मैं ऐसे भी बोलता हूँ डूड, ऐसे ही बोलते हो, और डूड तू क्यों बोल रहे? डूड मुझे आदत है डूड बोलने की, इसलिए मेरे को भी आदत लगा दी है डूड। ओ गाइस एंड करते, सी ऑफ अहमद, कुछ बोलना चाहोगे? डूड डूड, अल्लाह हाफिज़।